मथुरा के गिरिराज तलहटी गोवर्धन में नेशनल ग्रीन ट्यूबवेल द्वारा चार पहिया वाहनों का प्रवेश बंद है। वहीं डीग राजस्थान की तरफ से जयपुर नंबर की गाड़ी को जब डीग त्राहे पर रोका गया तो गाड़ी में सवार महिलाओं ने डीग अड्डे त्राहे पर खड़े PRB 1927 पर तैनात गार्ड ज्ञान सिंह से अभद्रता की। जब महिलाओं द्वारा अभद्रता का ज्ञान सिंह द्वारा वीडियो बनाया गया तो दबंग महिलाओं ने गार्ड के गाल पर तमाचा जड़ दिया और जमकर बवाल काटा। महिलाओं ने स्थानीय लोगों के साथ भी बदसलूकी की, वहीं उसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों और गाड़ी को पकड़कर थाने ले आई। पीड़ित गार्ड द्वारा आरोपियों के खिलाफ दी गई तहरीर। ये मेरा नाम ज्ञान सिंह है जी। वहाँ जिन कर्मचारियों को ड्यूटी लगी थी उन लोगों से बहस कर रहे थे, जबरदस्ती बैरियर को हटाने लगी तो मैं वहाँ खड़ा था, तो मैं वीडियो बनाने लगा। तो वीडियो बनाने की वजह से नाराज होकर ये मुझसे हाथापाई करने लगी। क्या किया इन्होंने आपके साथ में? इन्हें थप्पड़ मारे और मेरे को गाली गलौज बहुत दी। कितने लोग हैं ये? और ये कह रही थी पुलिस वाले यहाँ के पैसों के लिए रोकते हैं, यहाँ कोई आदेश नहीं है और कुत्ते हैं पुलिस वाले यहाँ के, यूपी के बहुत पुलिस वाले कुत्ते होते हैं। कितने लोग हैं जो पकड़ के आए? दो औरत हैं, दो आदमी हैं। मथुरा के गिरिराज तलहटी गोवर्धन में नेशनल ग्रीन ट्यूबवेल द्वारा चार पहिया वाहनों का प्रवेश बंद है। वहीं डीग राजस्थान की तरफ से जयपुर नंबर की गाड़ी को जब डीग त्राहे पर रोका गया तो गाड़ी में सवार महिलाओं ने डीग अड्डे त्राहे पर खड़े PRB 1927 पर तैनात गार्ड ज्ञान सिंह से अभद्रता की। जब महिलाओं द्वारा अभद्रता का ज्ञान सिंह द्वारा वीडियो बनाया गया तो दबंग महिलाओं ने गार्ड के गाल पर तमाचा जड़ दिया और जमकर बवाल काटा। महिलाओं ने स्थानीय लोगों के साथ भी बदसलूकी की, वहीं उसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों और गाड़ी को पकड़कर थाने ले आई। पीड़ित गार्ड द्वारा आरोपियों के खिलाफ दी गई तहरीर। ये मेरा नाम ज्ञान सिंह है जी। वहाँ जिन कर्मचारियों को ड्यूटी लगी थी उन लोगों से बहस कर रहे थे, जबरदस्ती बैरियर को हटाने लगी तो मैं वहाँ खड़ा था, तो मैं वीडियो बनाने लगा। तो वीडियो बनाने की वजह से नाराज होकर ये मुझसे हाथापाई करने लगी। क्या किया इन्होंने आपके साथ में? इन्हें थप्पड़ मारे और मेरे को गाली गलौज बहुत दी। कितने लोग हैं ये? और ये कह रही थी पुलिस वाले यहाँ के पैसों के लिए रोकते हैं, यहाँ कोई आदेश नहीं है और कुत्ते हैं पुलिस वाले यहाँ के, यूपी के बहुत पुलिस वाले कुत्ते होते हैं। कितने लोग हैं जो पकड़ के आए? दो औरत हैं, दो आदमी हैं।